पीछे हम लोगों ने प्रथम दृश्य तक पढ़ा था। अब आज द्वितीय दृश्य से शुरू करेंगे। चंदनः अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्मो यात्रया आनंदिता च भव। यहाँ पर चंदन मल्लिका के लिए कहता है कि ठीक है अस्तु, ठीक है गच्छ जाओ सखी भी सह सखियों के साथ धर्म यात्रया, धर्म यात्रा का धर्म यात्रया आनंदिता च भव। सखियों के साथ जाओ और यात्रा का आनंद लो, आनंदिता भव और आनंदित हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पालन करूंगा, अर्थात सारे काम जो है वो ठीक से करूंगा। शिवास्ते पंथानः, ते पंथानः शिवाः सन्तु, तुम्हारे तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। चंदनः चंदन, मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा, तो दुग्ध दोहनम कृत्वा क्रीधन कत्वा प्रत्यय, दुग्ध दोहन करके तत स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि, उसके बाद अपने नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि करूंगा। स्त्री वेश वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, धृधन कत्वा धृत्वा दुग्ध पात्र हस्तः नंदिनी नंदिन्याः समीपं गच्छति, दुग्ध पात्र दूध के पात्र को हस्तः हाथ में लेकर नंदिन्याः नंदिनी के समीपं गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। उमा मातुलानी मातुलानी, यहाँ पर संबोधन है मामी मामी। चंदन चंदनः चंदन कहता है उमे उमा, अहम तो मातुलः मैं तो मामा हूँ, अहम तो मातुलः मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थं काशीं गता अस्ति, तव मातुलानी तुम्हारी मामी तुम तो गंगा स्नानार्थं, गंगा स्नान के लिए, गंगा स्नान अर्थम गंगा स्नान के लिए काशीं गता अस्ति, काशी गई है। कथय कहो, किं ते प्रियं करवाणि, तुम्हारा क्या प्रिय करूं, अर्थात तुम्हारे लिए क्या करूं। उमा मातुल संबोधन, पितामह कथयति, पितामह कहते हैं, मासानंतरम अस्मद गृहे महोत्सव भविष्यति, मास के बाद अर्थात मास एक माह के बाद अस्मद गृहे हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, तत्र उस महोत्सव में त्रिशत 300 सेटक माने होता है लीटर, सेटक 300 लीटर दुग्धम अपेक्षते, दुग्ध की अपेक्षा है अर्थात दुग्ध चाहिए, दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीयः, यह व्यवस्था भवद्भिः करणीयः, आपके द्वारा की जाएगी। चंदनः चंदन प्रसन्न मनसः, प्रसन्न मन से त्रिशत सेटक परमितम दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम अच्छा है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति, दूध की दुग्ध व्यवस्था
दूध की व्यवस्था भविष्यति होगी ही इति ऐसा पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम्। इस प्रकार पितामह को तुम्हारे द्वारा वक्तव्यम् बताया जाए। उमा धन्यवादः, धन्यवाद मातुल, मामा धन्यवाद है। याम अधुना, अधुना यामी अभी जाती, सा निर्गता वह निकल जाती है। अब आगे तीसरा दृश्य शुरू होता है। चंदनः, चंदन प्रसन्नो भूत्वा, भूत्वा भूधन कत्वा पत्ते, तो प्रसन्न भू भू धन कत्वा भूत्वा प्रसन्न होकर अंगुली सिगड़ेन, अंगुलियों पर गिनता है। अहो अरे सेटक त्रिशतकानि पयांसि, 300 लीटर दूध, अनेन तु बहुधनम लप्स्ये, इससे तो बहुत सा धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी अरे नंदिनी, तौ कृपया तुम्हारे कृपा से, तू तो अहम धनिकः भविष्यामि, तौ कृपया तू अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्नः स धेनो बहु सेवां करोति, प्रसन्न होकर वह धेनु की बहुत सेवा करता है। चंदनः, चंदन चिंतयति सोचता है, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन दूध दोहन करूंगा, तरही तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं करवाणि, तो अब क्या करें। भवतु मासानाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो भवतु ठीक है, मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मास के अंत में ही संपूर्ण पूरे दूध का दोहन करोमि करता हूं। एवं क्रमेण सप्त दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से सात दिन, इसी क्रम में सात दिन बीत गए। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका आती है, प्रति आगच्छति प्रत्यागच्छति, मल्लिका प्रविश्य प्रवेश करके, स्वामी स्वामी प्रत्यागता हम, अहम प्रत्यागता मैं आ गई, आस्वादय प्रसादम प्रसाद का आस्वादन करो, प्रसाद चखो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदकों को खाता है और वदति कहता है बोलता है। चंदनः मल्लिके मल्लिका, तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तव तुम्हारी यात्रा तो सम्यक सफला जाता, ठीक प्रकार से संपन्न हो गई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयाम, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेदयाम, प्रिय निवेदन करता हूं, अच्छी बात को बताता हूं। मल्लिका साश्चर्यम आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त प्रियतर कौन क्या है, अर्थात धर्म यात्रा के अतिरिक्त कौन सी प्रिय बात है। चंदन बताता है, अब चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुख गांव के मुखिया के घर में, गृह सप्तमी घर में महोत्सव महोत्सव उत्सव मासांते मास के अंत में भविष्यति होगा। गांव के मुखिया के घर में महीने के अंत में एक उत्सव होगा। त
तत्र त्रिशत सेटक मितं दुग्धं असमाभिः दातव्यम् अस्ति। तत्र वहां अर्थात उस महोत्सव में 300 लीटर दूध असमाभिः हमारे द्वारा देना है, अर्थात 300 लीटर दूध हम देंगे मल्लिका। किंतु एतावन् मात्रं दुग्धं कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतना दूध कुतः प्राप्स्यामः, कहां से प्राप्त करेंगे। चंदनः विचारय मल्लिके, मल्लिका सोचो, प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा, प्रतिदिन दूध का दोहन करके दुग्धं स्थापयामः, दूध को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। दुग्धं स्थापयामः, दूध रखेंगे चेत तो यदि तो तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं होगा। अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन ही नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धं धोक्ष्यामः, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध को दुहेंगे, अर्थात दोहन कार्य करेंगे। मल्लिका स्वामी नाथ त्वं तु चतुरतमः, तुम तो बहुत चालाक हो, अत्युत्तमः विचारः, अत्यंत उत्तम विचार है तुम्हारे, अत्यंत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अधुना अब अर्थात आज से दुग्ध दोहनम विहाय, दुग्ध दोहन को छोड़कर केवल नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः, नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, जिसके से अधिक दूध मास के अंत में प्राप्त कर सके। द्वावेव मल्लिका और चंदन दोनों, द्वावेव दोनों धेनोः सेवायां निरतौ भवतः, धेनु की सेवा गाय की सेवा में लग गए। अस्मिन् क्रमे इसी क्रम में घासादिकम गुड़ादिकम च भोजयति, यानी सेवा के क्रम में ही कभी घास खिलाते और कभी गुड़ आदि उसे खिलाते। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयति, कभी सींग में तेल का लेप करते, तिलकम धारयते, कभी तिलक लगाते। रात्रौ नीराजने नापि तोषयत, रात को आरती करके तुष्ट करते, प्रसन्न करते, तोषयत। चंदन मल्लिके आगच्छ, आओ कुंभकारं प्रति चलावः, कुंभकार के यहां चलते हैं। अब दूध रखने के लिए पात्र चाहिए, इसके लिए वो कुम्हार के यहाँ जाकर के बर्तन लाना चाहते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपिकरणीय, दूध के लिए पात्र का भी प्रबंध करना है। द्वावेव निर्गतौ, दोनों निकल जाते हैं। अब आगे चौथा और पांचवा दृश्य अगले दिन पढ़ेंगे।